संस्कृत में सन्यासी के लिए परमहंस शब्द का प्रयोग किया जाता है जी। एक होता है हंस जी। हंस की क्वालिटी होती है वो दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है, इतना विवेक होता है उसके अंदर। दूध और पानी को अलग करना आप सोचिए कितना कठिन है, बहुत कठिन, क्योंकि वो ऐसे घुल मिल जाते हैं, नामुमकिन है, किसी लैब में नहीं कर सकते हैं। लेकिन हंस में वो क्वालिटी होती है कि वो अलग कर देता है उसको जी। तो वो तो एक स्थूल चीज में उसको अलग करता है, दूध और पानी को, ये तो स्थूल चीजें। लेकिन एक जो सन्यासी है उसका विवेक इतना उच्च क्वालिटी का होता है कि वो प्रकृति और पुरुष जी, आत्मा और शरीर जी, जड़ और चेतन जी, इसको अलग कर देता है। तो उसका विवेक इतना ऊंचा है तो इसलिए उसको हंस से भी ऊंचा परम हंस कहते हैं। परम हंस हाँ। तो वो सन्यासी ने मना कर दिया जी, हम नहीं जाते किसी के पास जी, आवश्यकता है तो आपके वो महाराज आए हमारे पास जी। तो उन्होंने कहा अच्छा इतना दुस्साहस, मैं पूरे विश्व का विजेता हूँ और एक जंगल में झोपड़ी में बैठा हुआ एक मामूली साधु ऐसे बोल रहा है हमारे बारे में जी। उनको उठा के लाओ जी। जबरदस्ती उठा के लाओ जी। तो उन्होंने जाके उनको उठाना चाहा जी। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, वो व्यक्ति उठे नहीं जी। उन्होंने पूरी सेना को लगा दिया उठाने के लिए जी। क्रेन जैसा कोई रहा हो उस समय, तो उन्होंने वो भी प्रयोग किया, माने उन्होंने अपनी तरफ से सब प्रकार के पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो उनको एक इंच भी उठा नहीं पाई। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या राज है, आप उठ क्यों नहीं पा रहे हैं, किसने आपको पकड़ रखा है? बोले अपनी मर्जी से उठना चाहते हैं तब उठते हैं, किसी की मर्जी से नहीं। तो बोले आप अपनी मर्जी से उठ के दिखाओ। तो वो सिकंदर वहीं खड़ा था, उनका जो महाराज था उसके सामने, वो वहां से उठे और उन्होंने आकाश गमन किया, आसन लगाई लगाई जी, जी। सिद्धियां है ना हमारे यहाँ, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, तो गरिमा, लघिमा, अणिमा, तो उन्होंने अणिमा का प्रयोग किया, ऊपर उठ गए वो जी। तो फिर वो सम्राट सहित पूरी सेना ने उनको दंडवत किया जी। कि हम हार गए लेकिन ये हमारे गुरु की इच्छा थी जी। मतलब सिकंदर के जो गुरु थे उनकी इच्छा थी, तो आप यदि कृपा करें तो आप केवल अपनी ही कृपा के वशीभूत हमारे वहाँ चलें, एक बार दर्शन दें मेरे गुरु को जी, जी। तो खैर फिर वो उनके साथ गए। तो ये इतनी ऊंची परंपरा है हमारी, मतलब इसके लाखों क्या करोड़ों उदाहरण दूं तो भी मैं इस परंपरा के बारे में वर्णन नहीं कर सकती हूँ जो आपने पूछा। तो ये इतनी महान हमारी सन्यास परंपरा है। आपने बहुत ही विस्तार से सन्यास शब्द के बारे में बताया। एक बात मेरे और हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में भी है कि स्वामी जी महाराज कहते भी हैं कि एक सन्यासी जितना लोक कल्याण कर सकता है, ऐसा कोई राजा महाराजा या कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आज के युग में अगर हम कहें, महर्षि दयानंद ने भी कहा ये सत्यार्थ प्रकाश में जी, वो नहीं कर सकता। और साथ साथ दूसरी एक बात भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि सन्यासी को आर्थिक रूप से बहुत समर्थवान होना चाहिए। इस बात को स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं, मगर कुछ संतों के मुँह से भी मैंने सुना है और बहुत सारे लोगों के से भी हमें सुनने में आता है कि भाई सन्यासी को तो सब कुछ त्याग करके जप करना चाहिए, माला करना चाहिए, भजन करना चाहिए। ये बात बहुत सारे लोगों के मन में है। तो एक तो लोक कल्याण जितना सन्यासी कर पाता है ऐसा और कोई नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात कि सन्यासी को आर्थिक रूप से समर्थवान क्यों होना चाहिए, इन दो बातों के बारे में भी बहुत सारे दर्शकों के मन में जिज्ञासा है, तो कृपया उसको भी आप शांत करें। ये परस्पर विरोधी बात लगती हैं कि अभी मैंने एक तरफ कहा कि सन्यासी को तो पूरे विश्व से तीनों प्रकार की ऐशनाओं से मुक्त होना चाहिए जी। तो वहाँ मुक्ति का अर्थ लोग समझ लेते हैं कि इनके पास तो मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए स्थूल दृष्टि से जी। तो इसमें और दूसरी तरफ जो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं उनका ऐश्वर्य लोगों को दिखता है जी।
तो उनको लगता है कि इनके पास इतना ऐश्वर्य है, और ये कहते हैं कि सन्यासी को तो मुक्त होना चाहिए, निर्लिप्त होना चाहिए, तो परस्पर विरोधी बातें लगती हैं। तो इसमें मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सन्यासी को वास्तव में ही हमारे यहाँ एक प्रार्थना कही जाती है, तन में गरीबी, मन में फकीरी, दिल में दया राखी जो है, एक राजस्थानी गीत है। गुरु चरणों में बैठ मारी सुरता, पुण्य कमाई जो है, हेली मारी निर्भय रही जो है। तो तन में गरीबी, मन में फकीरी, तो हमारे पूज्य गुरुदेव जो हैं वो इसके साक्षात उदाहरण हैं, अवतार हैं। स्वामी जी महाराज के पास जिस मकान में, जिस कुटिया में वो रहते हैं, तो वहाँ पर 48 डिग्री टेम्परेचर अभी चल रहा है हरिद्वार में। 48 डिग्री टेम्परेचर में भी उनकी कुटिया में ना कोई कूलर है, ना कोई एसी है, और सीधी धूप भी सूर्यदेव अंदर जाते हैं तो उसमें भी वो वही चटाई बिछा के सोते हैं। पहनने के लिए दो वस्त्र पहनते हैं, पैर में कोई जूते चप्पल नहीं, दो खड़ा हूँ वो भी 10 साल चलती हैं एक बार लिए तो। खाने के लिए अपने वहीं पर ही हम उगाते हैं बगीचे में लौकी तोरी, उसकी एक कटोरी सब्जी खाते हैं, एक गिलास गाय का दूध पीते हैं। कोई उनके पास कोई आभूषण नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक में अकाउंट खोला ही नहीं आज तक, एक अकाउंट खोला फेसबुक का केवल, उसके अतिरिक्त कोई अकाउंट नहीं है। और जमीन, यद्यपि पतंजलि योगपीठ जहाँ सेवा कर रहा है, तो पूरे देश भर में यदि हम देखें तो लगभग 5000 एकड़ जमीन पतंजलि योगपीठ को लोगों ने दी है दान, कुछ खरीदी भी है हमने सेवाओं के लिए, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज या पूज्य आचार्य श्री के नाम पे एक इंच भी जमीन नहीं है, सब ट्रस्ट के नाम पे है। अब ये सन्यासी के पास क्यों होना चाहिए, सन्यासी के पास होने से क्या लाभ होगा, और यदि सन्यासी के पास ऐश्वर्य नहीं है तो क्या हानि होगी। श्री अरविंद की एक पुस्तक है, छोटी पुस्तक, इंग्लिश में है द मदर और हिंदी में उसका नाम है माता, पुस्तक का नाम। उसमें उनका 5 अध्याय हैं, तो चतुर्थ अध्याय में श्री अरविंद ने वहाँ पर कहा है कि जैसे अनेक शक्तियाँ हैं ईश्वर की, ज्ञान ईश्वर की शक्ति है, बल उसकी शक्ति है, ऐसे ही धन भी एक ईश्वर की शक्ति है, और हम जिनके पास ये धन है वो सब उसके ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है, मालिक तो ईश्वर ही है। क्योंकि कोई कितना भी बड़े से बड़ा धनवान क्यों ना हो, जब वो इस संसार से विदा होता है तो वो एक पैसा भी अपने साथ ले जा नहीं सकता है, यहीं छोड़ना होता है, क्योंकि वो उसका है नहीं और वो ला भी नहीं सकता है। तो ये जो भी शक्तियां हैं यहाँ वो सब ईश्वर की हैं, और धन भी ईश्वर की शक्ति है। वो शक्तियां जब गलत हाथों में चली जाती हैं तो वो वहाँ उनका दुरुपयोग होता है, और भारत में भी ऐसा ही हुआ। हमारे संत ऋषि योगी वैराग्यवान होते ही थे, होते ही ऋषि कहते ही उनको हैं, लेकिन एक बीच में ऐसा मध्यकाल आया कि उन्होंने जो तथाकथित अंदर से उसके मर्म को नहीं जाना, और परंपरा से जो हमारे ऋषियों ने कहा उसको पकड़ करके, स्थूल रूप से पकड़ करके उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐश्वर्य से दूर रहना है, उसको हाथ भी नहीं लगाना है हमें, नहीं तो हमारे आध्यात्मिकता कम हो जाएगी, हमारा ऋषित्व तो कम हो जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा। तो हमारे लिए तो, हम तो सब छोड़ चुके हैं, तो हमारे लिए तो ये सब कंकर पत्थर हैं। तो जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने कहा भाई आपके लिए कंकर पत्थर हैं, हमारे लिए तो ये हीरे मोती हैं, तो वो भर भर के ले गए उसको और देश कंगाल हो गया। अब हम वहाँ जा कर के कमाई करते हैं कि हम, वो तो हमारा बेटा तो यूके गया, यूएसए गया, कनाडा गया, और वहाँ उसको इतनी सैलरी मिलती है और वहाँ से हम इतना कमा के लाए, तो जब हमारे लिए कंकर पत्थर था तो आज उसको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। क्योंकि देखो धन भी एक शक्ति है, जैसे हम ज्ञान के लिए लालायित रहते हैं कि, क्योंकि ज्ञान एक शक्ति है,
क्योंकि हम बल के लिए लालायित रहते हैं, हम व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बल एक शक्ति है, साध्य नहीं है लेकिन साधन जरूर है। ऐसे ही धन एक शक्ति है, तो अगर वो किसी असुर के हाथ में जाएगी तो वो उससे भोग करेगा। आपने लोक में भी देखा होगा, जिनके पास सात्विकता नहीं है, ज्ञान नहीं है, उन व्यक्तियों के पास जब धन आ जाता है तो वो उसको शराब पीते हैं, पार्टियां करते हैं और उसको इधर उधर के अनावश्यक कार्यों में उसको लुटा देते हैं। लेकिन वही धन जब पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे व्यक्ति के हाथ में आता है, आपकी जानकारी के लिए भैया, जब हमने क्योंकि मैं पतंजलि योगपीठ से श्रद्धे स्वामी जी महाराज से पिछले 25 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, और जब महाराज जी ने ये विराट कार्य शुरू किया उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने तो बैंक से 500 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के ये सेवाएं शुरू की हैं, जो हमने आज जो अपना स्वदेशी का कार्य है, जो पतंजलि आयुर्वेद, जो आयुर्वेद का जो कार्य है, जो लोगों को ये एम्पायर दिखाई देता है, तो ये लोन लेकर के शुरू किया। ये मतलब इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सन्यासी ने लोक हित करने के लिए बैंक से कर्ज लिया हो और उसको लौटाया भी है और कुछ और लौटा देंगे, कोई बात नहीं है। तो आपने जो पूछा, या कई लोगों के मन में ये शंका रहती है कि बाबा तो बिजनेसमैन हो गए, बाबा तो एक कॉरपोरेट हाउस के मालिक हो गए, तो ये हम अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं उसमें, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो धन होता है ना, तो वो तो केवल भोग के काम के लिए होता है। उनको ये, हम ये सोच ही नहीं सकते हैं कि कभी सेवा के लिए भी धन का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये पहली बार मैंने अपनी आँखों से देखा है, जब 96 और 7 में मैंने MA किया दिव्य योग मंदिर में रह करके, उस समय एक पैसा भी नहीं था पूज्य आचार्य जी और श्रद्धे स्वामी जी महाराज के पास जी। और हम लगभग 25 विद्यार्थी थे उस समय जी। कनखल जो हमारा पुराना आश्रम है, तो वहाँ पर पूज्य आचार्य श्री को मैंने देखा, वो रात भर कोई पुस्तक किसी वैद्य से मांग के लाते थे और पूरी रात भर उसका अध्ययन करते थे, एक रात में एक पुस्तक ख़त्म, और सुबह जो उस पुस्तक में लिखा है औषध बनाने का तरीका लिखा है जड़ी बूटी के बारे में, सुबह अपने हाथ से उसको खरल में घोट, पहले लाते थे गंगा किनारे से उखाड़ के जड़ी बूटियाँ साइकिल पे जाके या पैदल जाके, फिर लाके सुखा के उसको बनाते थे, फिर कागज में पुड़िया बना के देते थे। तो अपनी इच्छा से कोई 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 जो भी दे जाए वो उसकी इच्छा है, कोई फीस नहीं थी। जो पढ़ा जाना उसको प्रैक्टिकल में करके और सेवा में लगाना, और गॉड गिफ्ट है उनको, वो नाड़ी देखते ही बता देते हैं जी। तो ऐसे कितने लोगों का उन्होंने उपकार किया जी। इधर पूज्य स्वामी जी महाराज, उनकी वाणी में भगवान ने एक ऐसा ओज तेज, सरस्वती माता हमेशा विराजमान रहती हैं, तो वो जब उस समय में जो भी प्रवचन करते थे, यज्ञ हवन संस्कार करते थे, तो उनके प्रवचनों से खुश होकर के जो उनको दक्षिणा मिलती थी जी। उस पैसे से वो हम 25 विद्यार्थियों का खर्चा चलाते थे, आवास का, भोजन का, गैस का, कितने खर्चे होते हैं एक व्यक्ति के ऊपर, मतलब जो वो जिस व्यवस्था में वो हमें रखते थे उस व्यवस्था में लगभग लगभग 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं पर महीना। तो उस समय भी उनके मन में इतनी विराटता थी, उनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी रात दिन मेहनत करके दोनों, और हम विद्यार्थियों को पढ़ाते और भी आने वालों की सेवा करते थे। तो आज भी वही भाव है स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री के मन में। पूज्य आचार्य श्री जो वर्ल्ड के सबसे धनवान लोग हैं 10 उनमें से एक हैं जी। लेकिन आज भी वो अपना वही फटा सा कटी वस्त्र और लगभग 18 से 20 घंटे पुरुषार्थ करना, क्योंकि इतना ऐश्वर्य होने के बाद जो संसार के लोग हैं ना, वो तो फिर पूरे भोग में डूब जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन ये दोनों महापुरुषों को हमने देखा, आज भी पतंजलि योगपीठ में लगभग
25,000 लोग वहाँ पर इम्प्लॉय के रूप में सेवा करते हैं और लगभग करोड़ों लोग पूरे देश भर में हमारे संगठन में निस्वार्थ सेवा करते हैं सेवक के रूप में। तो उन करोड़ों सेवकों के बीच में और उन लगभग 25,000 एम्प्लॉयज़ के रूप में सबसे बड़ा सेवक और सबसे बड़ा कर्मचारी यदि कोई है तो वो पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री सबसे फर्स्ट नंबर पे हैं वो जी, क्योंकि वो खुद जी करके उदाहरण बन करके बताते हैं जी। तो वो स्वयं रोजाना 18 से 20 घंटा पुरुषार्थ करते हैं निस्वार्थ भाव से जी। और इस पुरुषार्थ के बदौलत जो लोगों ने उनको दिया जी। उस सबको वो सेवा में लगा रहे हैं जी। अपने तो हम सबको तो ये प्रेरणा लेनी चाहिए, गृहस्थियों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब एक सन्यासी ब्रह्मचारी दूसरों के सुख के लिए इतना पुरुषार्थ कर रहा है तो हम कम से कम अपने परिवार के सुख के लिए तो उतना पुरुषार्थ करें। तो वो पुरुषार्थ के उदाहरण हैं। और दूसरा जो मैंने बताया कि वो उस सारे ऐश्वर्य को अपना व्यक्तिगत ऐश्वर्य नहीं मानते हैं बल्कि भगवान की एक शक्ति मान करके उसको सेवा में उपकार में लगा रहे हैं। और ये हर सन्यासी को करना चाहिए। मेरे देश में लगभग 600 जिले हैं जी, हमारे जी, और उन 600 जिलों में जितने गांव हैं जी, उतने हमारे देश में सन्यासी हैं जी, सब मत पंथ संप्रदायों के सन्यासी मिलाएं तो जी, तो हमारे देश में इतने सन्यासी हैं। मैं कहती हूँ एक एक सन्यासी यदि एक एक गांव को भी अडॉप्ट करे जी, उसकी समृद्धि का जिम्मा अपने उसमें ले जी, तो ये बहुत छोटा काम है जी, और हम 6 महीने में अपने देश को विश्व गुरु बना सकते हैं जी, जी, लेकिन सब सन्यासी ही वैसा नहीं करते हैं जी, फिर गृहस्थी भी नहीं करते हैं क्योंकि सारे समाज को प्रेरणा देने वाला तो सन्यासी है जी, जी, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो कुछ लोग जो है ना वो जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो कुछ चीजों के वो अर्थ ही चेंज कर देते हैं जी, जी, अपने अनुकूलता के साथ। महाभारत काल में जी, जब भगवान योगेश्वर कृष्ण इस धरती पे आए जी, तो उस समय यज्ञों की बहुत बड़ी परंपरा थी जी, लोगों को बारिश चाहिए यज्ञ करते हैं जी, पुत्र चाहिए यज्ञ करो, धन चाहिए यज्ञ करो, कुछ भी चाहिए यज्ञ करो जी, और वो चलते चलते इतने डिपेंड हो गए कि हम खेती में हल नहीं चलाएंगे वर्षिष्ठ यज्ञ करेंगे। भाई वर्षिष्ठ यज्ञ से वर्षा तो होगी लेकिन हल तो तुझे चलाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने यज्ञ के मायने ही चेंज कर दिए भगवान कृष्ण ने। उन्होंने कहा ये जो हम स्थूल रूप से करते हैं ये तो सिंबॉलिक यज्ञ है। यज्ञ का मतलब है हम जो कुछ भी अपने शरीर से इंद्रियों से मन से प्राण से जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हमारी निस्वार्थ भावना से होनी चाहिए और अच्छे से अच्छे श्रद्धा भाव से हम उसको करें, ये है यज्ञ जी, जी। और उन्होंने कहा सारी सृष्टि में यज्ञ हो रहा है, पृथ्वी यज्ञ कर रही है, जल वायु सूर्य ये सब यज्ञ कर रहे हैं जी, क्योंकि ये दूसरों की भलाई के लिए सेवा में रत हैं जी। तो इनसे प्रेरणा लेके हमें अपना जीवन भी यज्ञमय बनाना चाहिए जी। तो उन्होंने यज्ञ के मायने बदल दिए। इस युग में श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने योग और सन्यास के मायने ही बदल दिए। एक एक महापुरुष आते हैं एक एक युग में जी। पहले योग का मतलब होता था कहीं कंदरा में गुफा में कहीं धनाढ्य घराने में किसी कॉर्पोरेट हाउसेस में करने योग्य कुछ फिजिकल एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसको योग कहते थे। बहुत सीमित मात्रा में होता, सीमित मात्रा में होता। स्वामी जी ने कहा योग हर व्यक्ति कर सकता है, गरीब अमीर गांव में रहने वाला शहर में रहने वाला अट्टालिकाओं में रहने वाला झोपड़ी में रहने वाला हर व्यक्ति योग, जो योग करे वो योगी जी, जो वेद पढ़े वो ब्राह्मण जी। तो उन्होंने मायने चेंज कर दिए। ऐसे ही पहले सन्यास का मायना था जो कुछ भी ना करे खाली बैठे जी, वो सन्यासी, वो अपने भोजन के लिए भी दूसरे पे डिपेंड है, कोई आके दे जाएगा तो खा लेंगे, नहीं देगा तो हम सोए रहेंगे भूखे रहेंगे जी, जी। और भूखे से भजन भी नहीं होता है, नहीं होता। लेकिन फिर भी मंत्र जपते थे अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम जी। तो नहीं करना है कुछ भी काम। महाराज जी ने कहा नहीं, सन्यासी को जब तक शरीर है जी,
तब तक उसको अत्यंत पुरुषार्थ करना है। एक व्यक्ति जितनी जागरूकता से अपने पारिवारिक लोगों के सुख के लिए पुरुषार्थ करता है अहर्निश मेहनत करके, ऐसे सन्यासी को सारे विश्व के सुख के लिए अहर्निश पुरुषार्थ करना चाहिए। और वो उन्होंने केवल कहा नहीं, वो उन्होंने अपने जीवन से करके दिखाया। और मैं समझती हूँ कि ये एक आदर्श सन्यास परंपरा है, क्योंकि गीता में भी कहा न निरग्नि न च अक्रिय। तो जो सन्यासी होता है ना, सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय, ना तो वो निरग्नि होता है। निरग्नि का मतलब होता है अग्नि से रहित, अग्नि से रहित नहीं होता है वो। अग्नि का मतलब है वहाँ पर संकल्प की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, पुरुषार्थ की अग्नि, सेवा की अग्नि, उत्साह की अग्नि, इससे वो हमेशा युक्त रहता है सन्यासी। और न च अक्रिय, कभी भी वो अकर्मण्य नहीं होता है, निठल्ला नहीं बैठता है सन्यासी, जो सच्चा सन्यासी होगा वो। तो वो सेवा करता है, पुरुषार्थ करता है। तो मैं समझती हूँ कि जितने भी ऐश्वर्य हैं, अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो ज्ञान की शक्ति है, वो बल की शक्ति है, धन की शक्ति है, वो सब सन्यासी के अंडर में होनी चाहिए जी। ताकि वो करोड़ों लोगों का उपकार कर सके। और आज पतंजलि योगपीठ ने ये किया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली लाने वाला एक सन्यासी है जी। उन्होंने योग के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली लाई, योग का पुरुषार्थ किया, रिसर्च किया, तब वो करोड़ों लोगों को ये दिशा दे पाई। ये योग की शक्ति है। उन्होंने जो स्वदेशी का कार्य शुरू किया, स्वदेशी के हम गीत गाते थे आज तक जी। लेकिन उन्होंने जो उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो आज हम लाखों किसानों से रॉ मटेरियल लेते हैं जी। और उन किसानों के जीवन में वो खुशहाली लाने वाला एक सन्यासी है जी। आज हम एलोवेरा के, आंवला के, गिलोय के कितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं जी। तो वो सब किसान की जमीन में ही तो पैदा होते हैं जी। स्वामी जी महाराज ने लौकी जैसा जी। एक सामान्य सब्जी, उसको इतना गौरव दिला दिया। गोमूत्र, गो को लोग ऐसे छोड़ देते थे जी। तो क्योंकि वो जब तक दूध देती है तब तक तो हम मानते थे कि हमारे लिए उपयोगी है, और जब दूध नहीं देती है तो उसको ऐसे छोड़ देते थे। महाराज जी ने कहा दूध दे या ना दे, मूत्र तो हमेशा देती है ना, उसके प्रोडक्ट बना दिए। तो ये देखो, ये अपवाद तो भैया जब तक सृष्टि रहेगी तो ये अपवाद तो रहेंगे। और जो इस तरह से कुछ कहते हैं तो कोई बात नहीं, उनका भी भला हो, हम उनका भी बुरा नहीं मानते हैं। वो जितनी उनके पास नॉलेज है, बुद्धि है, वो उसके अनुसार कर रहे हैं कमेंट। हमें उनका भी भला करना है जी जी। उनका भी हमें बुरा नहीं सोचना है जी जी। लेकिन ये सच है जी। उसमें शास्त्र का भी प्रमाण है, गीता का भी प्रमाण है, और स्वयं प्रत्यक्ष स्वामी जी महाराज का प्रमाण है जी जी। कि अच्छी शक्तियाँ अच्छे लोगों के हाथ में ही होनी चाहिए, दूसरों के पास भी होनी चाहिए, लेकिन अच्छे लोगों के हाथ में जरूर होनी चाहिए, ताकि वो एक बड़े जन समुदाय का कल्याण कर सकें। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि एक सन्यासी ही सबसे बड़ा लोक कल्याण कर सकता है। अभी बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में भी एक भाव है और ये जानने की इच्छा है कि हमारे देश में बहुत सारी अध्यात्म परंपराएं हैं, बहुत सारी सन्यास परंपराएं हैं, और बहुत सारे आज वर्तमान में भी बहुत सारे तपस्वी सन्यासी, बहुत सारे गुरुजन हमारे देश में है। तो आपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को ही अपने गुरु के रूप में क्यों चुना, या क्यों इस ये भाव आपके मन में आए कि मैं स्वामी जी को ही अपना गुरु बनाऊं? भैया, माता पिता और गुरु जी। कभी चुने नहीं जाते जी। वो एक भगवान की कोई ऐसी व्यवस्था है जी। आप ये सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मुझे किस माँ की कोख से जन्म लेना है जी। या किस पिता के घर में मुझे जाना है जी। ऐसे ही जैसे माता पिता हमारा चयन करते हैं जी। माता पिता जब बच्चे को, संतान की उत्पत्ति करनी होती है, तो हमारे यहाँ एक संस्कार है, गर्भाधान संस्कार जी।
तो उसमें आह्वान करते हैं आत्माओं का कि हमें एक बच्चा पैदा करना है, तो ऐसी आत्मा हमारे घर में आए, तो फिर वो आत्मा आती है उनके पास। तो बच्चे को माँ बाप चुनते हैं, ऐसे शिष्य को गुरु चुनते हैं। गुरुजन हमें, गुरुजी ने मुझे चुना है, नहीं मैंने गुरु को नहीं चुना। और ये बात श्री अरविंद ने भी कही है कि हम भगवान को नहीं चुनते हैं, भगवान पहले हमें चुनते हैं और भगवान की उस कृपा से फिर हमारे अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम भगवान के मार्ग पर चलें। तो पहले उन करोड़ों लोगों को स्वामी जी महाराज ने चुना है, उन सात्विक आत्माओं को पूरे देश भर में, कि मैं उन सात्विक आत्माओं का आह्वान करता हूं, क्योंकि मुझे इस धरती पे भगवान ने एक सात्विक काम करने के लिए, विराट यज्ञ करने के लिए भेजा है। तो उन करोड़ों आत्माओं में से एक मेरा भी सिलेक्शन हो गया महाराज जी के माध्यम से। तो मैंने गुरु को नहीं चुना, गुरु की कृपा ने हमें चुना। उसके बाद हमारे मन में ये आया कि हमें यदि इस मार्ग पे चलना है तो देखो, एक गुरु की आवश्यकता हर जगह होती है भैया। हम संसार का कोई भी काम करते हैं, आप सामान्य रूप से एक हारमोनियम बजाना सीखते हैं तो आपको उसमें एक पहले गुरु की आवश्यकता होती है। एक बच्चा जब अपने ही पैरों पे चलना सीखता है तो एक माँ उसकी गुरु होती है जो उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाती है। अगर वो गुरु ना हो तो बच्चा रेंगता ही रहेगा जीवन भर। ऐसे प्रयोग किए हैं, नहीं सीख पाए। ऐसे प्रयोग किए, बच्चे को किसी भेड़िए की मांद में रख दिया और कोई मनुष्य उसको दिखा नहीं चार पांच वर्ष तक। तो 5 साल के बाद देखा कि वो भेड़िए की तरह से चलता था, चारों हाथ पैर टिका करके, और वैसे ही गुर्राता था, बोलना नहीं आया उसको। तो शब्द के लिए माँ शिक्षा देती है, एक एक शब्द सिखाती है हमें, और हमारे आसपास जो बोले जाते हैं वो शब्द, वो भी हमारे गुरु हैं। तो हम गुरु के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। कोई छोटे से छोटा काम करें, बड़े से बड़ा काम करें, उसमें हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो ये जो इतना ऊंचा, हिमालय से भी ऊंचा चढ़ने जैसा मार्ग है संन्यास का, क्योंकि इसमें मन, वाणी, इतने पिछले जन्मों के संस्कार, उनको चेंज करना, उनको कट करना, नए संस्कारों को एक अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ना, जिस शक्ति को हम जानते नहीं हैं, जिसको पहचानते नहीं हैं, जिसको कभी हमने अनुभव नहीं किया, उसके साथ जुड़ना, कैसे इतना विराट कार्य हम अपने बल पे कर सकते हैं। तो एक गुरु की आवश्यकता होती है।